मैं आपका दोस्त साइकिल बाबा, वर्ल्ड बाय साइकिल ट्रैवलर, नाउअडेज ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो भाई लोगों, हम पहुंच गए एम्बेसी में, और पहली बार मैंने एम्बेसी ऐसी देखी, इंडियन एम्बेसी, जो थर्ड फोर्थ फ्लोर पे है। दोनों को मैंने किया वहाँ पे, और एम्बेसी का ऊपर इंडियन फ्लैग दिख रहा है फोर्थ फ्लोर पे। अदरवाइज एम्बेसी की अपनी खुद की बिल्डिंग होती है, सब कुछ होता है, बट यहाँ पे छोटा देश होने की वजह से देश की टोटल आबादी जो है वो 20 लाख है यार। बट अच्छी बात है कि इंडियन एम्बेसी है, नहीं तो कुछ कंट्रीज़ में तो अभी तक इंडियन एम्बेसी भी नहीं है। ऑफिस खुलेगा 10 बजे और अभी हुए हैं 9:30, तो हम आधे घंटे पहले ही पहुंच गए यहाँ पे। लुबलियाना, जे जो लिखा जाता है ना, जे को वाई बोलते हैं, लुबलियाना। धनो खड़ी करने की तो ऐसे जगह है, बट मैंने ऐसे किया है क्योंकि भारी बहुत है और वैसे वो टूट जाएगा रिम इसका, इसे हो गया फ्री। तो एम्बेसी के साथ लगते ही यहाँ का मेन रेलवे स्टेशन है, देश का रेलवे स्टेशन, देश की कैपिटल का मेन रेलवे स्टेशन है। कितना छोटा सा है, बट मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है कि यहाँ पे आपको हर जगह साइकिल अलाउड है, कहीं भी साइकिल लेके घुस जाओ अपनी। ये देखो पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन कितना साफ सुथरा और कितना छोटा सा, देश की राजधानी का रेलवे स्टेशन। एक बात बताऊँ यार, मतलब लिविंग स्टाइल से मुझे स्लोवेनिया इटली से बहुत बेटर लगा, लोग बड़े पीसफुल हैं, केयरिंग हैं। इस रेलवे स्टेशन की नींव 1882 में रखी गई थी भाई, 1882 का बना हुआ रेलवे स्टेशन है भाई। अब हम सिटी सेंटर के बिल्कुल बीच में हैं और ये नदी जाती है पूरे शहर के साथ अंदर से, और बारिश आ रही है बहुत तेज़। जिस जगह पे मैं चल रहा हूँ, जिस ब्रिज पे मैं चल रहा हूँ, वो ड्रैगन ब्रिज है। ये देखो ये ड्रैगन बना हुआ, मेरी छतरी के नीचे आ जाओ भाई, जिसने आना ब्रिज है कमला खड़ी खड़ी। ये सिटी सेंटर है भाई इधर। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल क्या चाल भाई लोगों। तो भाई लोगों अभी हम हैं लुबलियाना, तो लुबलियाना द कैपिटल सिटी ऑफ स्लोवेनिया, 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 बट ये कुछ और ही लिखते हैं लास्ट में, जे ए कुछ ऐसा, जे दे प्रोनाउंस लाइक वाई, हां वाई, या या स्लोवेनिया, या। आज हम इस लुबलियाना को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, और मेरे साथ में है एक छोटा सा बच्चा, वो जा रहा है, और एक उससे भी छोटा बच्चा वो आगे जा रहा है, और एक बड़ा बच्चा ये हमारे भाई हैं। क्या कहूँ, इंट्रोडक्शन तो मैं गाड़ी में बैठ के फिर कराऊंगा तो मज़ा सा आएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन सदा ही होनी चाहिए, तो विद फैमिली होनी चाहिए, अकेले के अकेले बंदे की इंट्रोडक्शन करी हुई अच्छी नहीं होती। ये रहा हमारा छोटा बच्चा, दे दो मुझे,
थैंक यू बेटा, ये भी दे दोगे? हाँ वेरी सिया। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ये भाई हैं स्वामी रहलावत। स्वामी रहलावत हैं, वैसे तो जजर वाले हैं, तो जजर वालों को आप जानते होंगे। पीछे ज्योति और ये हमारे विकू सेठ हैं। मिकू या विकू, व्हाट्स योर कूल प्रॉपर नेम? मयंक। तो हम घर पे क्या कहते हैं इसको? मिकू। ओमसी। तो एक पीछे भी नमूना सा बैठा है, ओमसी। तो वो ओमसी है। और भाई को यहाँ पे 3 साल हो गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो अपने एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे पहली बार मिले हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे पहली बार मिले हैं और एक अलग सा अटैचमेंट है। तो उस अटैचमेंट के साथ में हम जा रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लुबलियाना। तो लुबलियाना के बारे में कुछ बताओ ना यार, 3 साल हो गए, क्या क्या कोई खास चीज़ है भाई? लुबलियाना यूरोप में ग्रीन एंड क्लीन कैपिटल है, और 2017 में आई थिंक दिस इज नंबर 1 इन ग्रीन एंड क्लीन कैपिटल, एंड बिफोर फ्यू इयर्स इट वाज नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड टू ब्रॉट अप फॉर द किड्स चिल्ड्रन। आई थिंक एट प्रेजेंट इट मे बी एट नंबर 3, बट इट्स वेरी स्मॉल कंट्री, नो वन कैन एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम लुबलियाना और स्लोवेनिया, लाइक इट माइट बी एट सम प्लेस एट नंबर 1 इन द वर्ल्ड, एंड people here take care of their kids a lot, that's why it was at number 1 place in the world, and also among in the top countries, in the safest countries in the world. Forest area is I think more than 70% of the total geographical area. वो तो बोले कि 70% से ज़्यादा forest है यार, क्या बात है, इतना forest तो फिर तो well preserved. हाँ ये चीज़ तो मैंने देखी है भाई, मैं जब रास्ते में आ रहा था ना, तो जहाँ प्लांटेशन इनको काटना पड़ रहा था ना, जो पेड़ काट रहे हैं, तो उसके बदले में इनकी प्लांटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो आई रियली सैल्यूट कि प्रिजर्व करने में कितना इन्होंने मेहनत कर रहे हैं। तो और नेचर है अच्छा, मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पे जो आता है, मतलब हमारे देश में तो बाहर से आएंगे, यहाँ यूरोपियन कंट्रीज के टूरिस्ट बहुत आते हैं, मैंने ऐसा सुना है इस फैक्ट ना। और सोमीर भाई एक अच्छा एथलीट भी है, आज भी सवेरे सवेरे 17 किलोमीटर की राइड करके मेरे को बोला कि भैया चले महाना भाई। बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला रेस्ट मारने का, और आप मुझे लेके चलो, तो ऐसा नहीं होता ना भाई सब। चलो खैर, अब हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं भाई? पहले हम BTC सिटी। BTC सिटी एरिया है, सिर्फ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कंसंट्रेटेड है सारे के सारे। ओके ओके। तो जो भी ब्रांड चाहिए नॉर्मल यहाँ पर, कपड़े लत्ते इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ एक जगह पर। ये BTC सिटी है, छोटा सा एरिया है, क्योंकि पॉपुलेशन स्लोवेनिया की पॉपुलेशन बहुत कम है, बट यहाँ पर फ्री पार्किंग 8,500 से ज्यादा है। अरे मतलब अकेले लुबलियाना नहीं, सिर्फ BTC सिटी के अंदर, BTC छोटा सा एरिया है, आई थिंक मे बी क्योंकि जो हैंडल बार का जो टेप होता है ना, वो खराब हो गया पड़ा है मेरी तन्नों का, तो हैंडल बार। तो भाई लोगों, हम आए हैं डिकैथलोन के ऊपर, और डिकैथलोन में मुझे चाहिए थी हैंडल बार टेप, वो हमें मिली नहीं, तो अब हम चलते हैं वापिस। चलिए हाँ, बस 3 चीज़ें होगी, हमने को टैप ले ली, एक गन्नों के लिए चाबी चाहिए थी। हाँ हाँ ये ठीक है, ये चाबी और तो उससे तो बैटरी है यार, चाबी ले ली और चैन लुब्रिकेंट ले लिया। और मार्केट आपको दिखा दूँ कितनी बड़ी है भाई, ये देखो पूरी बड़ी मार्केट है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, इस पूरे एरिया में सब कुछ मिलेगा आपको, पूरा शहर दिख जाएगा यहाँ से। तो अभी हम आ गए कैसल में, तो कैसल आपको दिखा दूँ इसका टिकट। अब हम जा रहे हैं म्यूजियम क्या कैसल के अंदर, बट म्यूजियम में जाना है तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी। कितने की है? 10 की है शायद, 10 यूरो की है। अगर देखना है तो भाई लिटरेचर पढ़ो, गूगल पे जाके देखो, सब कुछ मिल जाएगा। और कैसल देखना है तो मैं दिखा दूँगा आप लोगों को। अच्छा इसको भी इन्होंने, बस वही है वाइनरी सेक्शन, पुरानी पुरानी वाइनरी जो करके। अच्छा स्लोवेनिया के अंदर वर्ल्ड की ओल्डेस्ट वाइनरी। अच्छा बट वाइनरी के लिए बड़ा फेमस है नहीं,
मैंने जॉर्जिया कहते हैं कि हमने जो है वाइन का ओरिजिन हमारे यहाँ हुआ है, वाइन का ओरिजिन हो सकता है, वाइन अभी जो होली विनयार्ड लग रहा होगा या ओल्डेस्ट, मेरे ख्याल से ओल्डेस्ट व्हील भी है शायद यहाँ पे। जगह बना रखे हुए ना। कोई नहीं, इन्होंने सारा मेंटेन किया है दोबारा से। आजा बेटा आजा, इसके ऊपर भी है। मारो गोला से चार के। अच्छा ये है ओपन मार्केट, ये ओपन फार्मर मार्केट है, ओपन फार्मर मार्केट। हाँ, ओके, सारे किसान आते हैं अपनी सब्जियां बेचते हैं, फल फ्रूट सब कुछ। एंड दैट वन इज सैंडविच बिल्डिंग, सैंडविच बिल्डिंग, और वो पेट्रोल वाली अपनी है जिसमें हम रह रहे हैं। अरे वाह, तो यहाँ बस यही शहर है। हाँ ये सारा शहर बस। ये कैपिटल है देख लो भाई, एक देश की कैपिटल है। उसके नीचे जो स्मारनागोरा की माउंटेन है ना, उसके नीचे अम्बेस्ट्रागर है। अच्छा, अरे वाह यार। और ये जो सैंडविच मार्क बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, इसके बिल्कुल साथ में ही हम इंडियन एम्बेसी है। यहाँ पे सब्जी मार्केट लगती है अपना, पूरे फल फ्रूट सब। यहाँ पे एक वीकेंड पे ले जाते हो? हाँ वीकेंड पे ले जाऊँगा, डेली लगती है यहाँ पर। अच्छा, संडे को छोड़ेंगे। और उसके थोड़ा सा साइड में लेफ्ट पे एक थोड़ा सा अच्छा स्पेस और है, तो ये लगती है। वो कहाँ पे है? फूड मार्केट, जो कौन सा ब्रिज है, ट्राई ब्रिज है, ट्रिपल ब्रिज, ट्रिपल ब्रिज, थोड़ा सा लेफ्ट। अच्छा ये ड्रैगन ब्रिज है, ये ड्रैगन ब्रिज है, यही है क्या? ड्रैगन ब्रिज, हां जो वाला रोड वो दिख रहा है, छोटा सा ड्रैगन, वो छोटा सा ड्रैगन। क्या बात है यार। और ये कैसल है, जो भी है देख लो भाई, मेरे को मत कहना कि दिखाया नहीं। और वो जो दिख रहा ना, वो बीटीसी सिटी जो हम घूम पाए थे, शॉपिंग मॉल, वो रेडिसन ब्लू होटल हो रहा। हां हां, है ना, वो बीटीसी सिटी पूरी वहां पर, शॉपिंग मार्केट है सारी। हो गया पूरा? हो गया पूरा। और थोड़ा सा जो इंडिपेंडेंट हाउस है, और जो थोड़ी सी एक पोस्ट कॉलोनी है, वो इसके इस साइड भी सुपर। अच्छा, और हाँ हाँ, और उसके बारे में बता रहे थे आप कुछ। हाँ, ये जो सामने ये रेस्टोरेंट है, जो ये इस रेस्टोरेंट में जो पूरे वर्ल्ड में नंबर वन जो लेडीज कुक है वो काम करती है, मिस एना। मिस एना, आई थिंक 2017 में उसके पास नंबर वन का रैंक था, नंबर वन का रैंक था इसका। अगर आपके साथ लोकल बंदा हो तो आपको नॉलेज तो मिल जाती है चीजों की, तो आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा कि बिल्कुल लिया होगा। और भी चीजें होगा ना, आड़े उमेश से किसी स्टेट से निकलने नीचे ये सारी चीजें होगी। ड्रैगन तो चाइनीज लोगों का वो सिंबल है, है ना, इन्होंने बड़ा कब्जा कर लिया। अच्छा, ड्रैगन पे वैसे तो मोस्टली चाइनीज लोग ही, चाइनीज लोगों का कब्जा है। सो नाउ वी आर एट एग्जिट पॉइंट। अब हम दूसरी साइड आ गए हैं कैसल की अपोजिट साइड, और इधर जो कौन सी कॉलोनी, पुरानी कॉलोनी बसी होंगी या इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं? इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं मोस्टली। अच्छा, लोगों के खुद के मकान, बड़े बड़े विलास वगैरह जो हैं। बस ये है, इटली की ट्रेन कहाँ से आ गई यहाँ पे? ट्रेन में गेड़ी मारनी है। ओ बाप।